हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और जहाँ कहीं भी है, अपना ख्याल रखिए। जो भी कोविड के गाइडलाइंस है, उसका पालन कीजिए। हम सब लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोविड केसेस घट रहे हैं। अराउंड 400,000 केसेस पर डे आ रहे थे, 4 लाख के करीब पर डे। अभी वो घट के अराउंड 100,000 हो गया है, 1 लाख के करीब केसेस हो गए। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्लाइट है इंडिया टू सऊदी अरेबिया, या फिर इंडिया टू कोई दूसरे कंट्री, फिर सऊदी अरेबिया, इसके जो फ्लाइट्स खुलने के जो चांसेस हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। बल्कि 1 लाख केसेस पर डे बहुत बड़ा फिगर है, धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जल्दी कोई नया अपडेट आएगा फ्लाइट से रिलेटेड, कि इंडिया और सऊदी के बीच में कुछ नया अपडेट्स आने का चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप इंडियन एम्बेसी का ट्वीट देखेंगे, इंडियन एम्बेसी रियाद का, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि GSEA के साथ उनका मीटिंग हुआ है, तो थोड़ा अपडेट आने में समय लगेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, देखते हैं कब अपडेट आता है। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आपको जाना अभी जल्दीबाजी नहीं है, तो थोड़ा वेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। फालतू का आप अपने आप को मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस से मत गुजारिए, ठीक है? देख लेते हैं क्या अपडेट आता है, नहीं आता है। ऐसे में इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा एक कंट्री के बारे में, थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी डिटेल वीडियो बाद में बना के बताऊंगा। ओके, तो ये एक बात था। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा अपडेट्स जल्दी से दे देता हूँ। एक तो हो गया ये केसेस के वजह से, और दूसरा, आपने अगर कल इंडियन एम्बेसी का ट्वीट देखा होगा, तो उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका मान लिया है। सीधा भाषा में यही बोलेंगे, मान लिया है। ओके, अगर आप इंडिया में हैं, तो अगर आप 2 डोज लेते हैं, अपलोड करते हैं ई सर्विस पोर्टल में, तो वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन कई लोगों ने कहा है कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करना है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमने अटेस्ट नहीं करा था, अपलोड करा सेकेंड डोज वाला वैक्सीन और अप्रूव हो गया। तभी भी अगर आपने 2 डोज ले लिया है, तो आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट के कहीं पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, वहाँ पे उनसे एक स्टाम्प लगवा लीजिए और 2 डोज वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया वैक्सीन से रिलेटेड। और दिल्ली एम्बेसी में जो वीज़ा स्टम्पिंग है, वो स्टार्ट हो गया है आज से। ओके, ये वीज़ा स्टम्पिंग से रिलेटेड अपडेट्स आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। मुंबई में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 31 मई से, दिल्ली में आज से हो रहा है। अगर आपने अपना पासपोर्ट दिया हुआ है किसी एजेंट को, तो फॉलो कीजिए उनसे। ओके, और बहरेन का अभी तक फ़िलहाल कोई अपडेट है नहीं। 3 तारीख को अपडेट आने थे, लेकिन आए नहीं है। उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कुछ डिसीजन ले लिया गया कि इंडियंस ट्रैवलर्स को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक सस्पेंड है। बहरेन का ये हो गया। अब मालदीव्स का भी अपडेट इस हफ्ते में आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। रोज़ इनके, अगर आप ट्वीट देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, तो रोज़ उनके कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग फेज़ में है वो। ओके, बाकी अब नेपाल के बारे में आप लोगों को पता ही है कि नेपाल ने 3 कंट्रीज़ का फ्लाइट खोल दिया है वीकली, चाइना, तुर्की और कतर। तो अगर आप नेपाल में हैं, तो कतर एयरलाइन से जा सकते हैं कतर, और कतर से सऊदी अरेबिया। ओके, ये आप कतर एयरलाइंस के अगर ऑफिस में जाएंगे, तो वो आपको बता देंगे। और आप कतर एयरलाइंस के वेबसाइट से ही उनका सऊदी का क्वारंटीन पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है, ओके, जाना ही है सऊदी अरेबिया, 1 हफ्ता में, 10 दिन में, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप, बहुत सारे कंट्री ट्रैवल एजेंट्स पैकेज दे रहे हैं, लेकिन आपको आना है तो आप साइबेरिया से आ सकते हैं। साइबेरिया यहाँ पे रसिया का एक एरिया है। ओके, वहाँ से आप आ सकते हैं। इतना सस्ता भी नहीं है और महंगा भी नहीं है। अगर आप टिकट्स के प्राइस अगर कंट्रोल कर लेंगे, ओके, टिकट के प्राइस अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, तो वो इतना महंगा नहीं है। अगर आपको फ्लाइट महंगा पड़ेगा, तो आपका पूरा जर्नी महंगा हो जाएगा। ओके, मुंबई से फ्लाइट जाता है डच एयर का, KLM का, साइबेरिया तक, अराउंड 40,000 रुपीज़ का है। और फ्रॉम साइबेरिया टू सऊदी अरेबिया आप कतर एयरलाइंस ले सकते हैं, कतर एयरलाइंस और सऊदी अरेबिया का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। वो आपको लगभग 30,000 का पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको साइबेरिया से सऊदी आने के लिए आपको क्वारंटीन पैकेज भी लेना पड़ेगा 7 दिन का, तो वो 70-80 हज़ार तक आपको टिकट प्लस क्वारंटीन पैकेज आ जाएगा। ऑन एन एवरेज आपको मैं बताऊं, टिकट में आपको 1 लाख रुपए तक का खर्च आ जाएगा, टिकट प्लस क्वारंटीन, इंडिया टू साइबेरिया एंड साइबेरिया टू सऊदी अरेबिया। और वहाँ रहने का 15 दिन का 15,000 रुपये मान लीजिए, 12-13 हज़ार रुपये। ओके, और खाने का 10,000 है ना, तो 1,25,000 रुपये आपका ये हो गया। और
मिसलिनियस आप पकड़ लीजिए, 7,000 वहाँ कोविड का, यहाँ पे 2,000, 10,000 पकड़ लीजिए, तो 1,30,000, 35,000 में आप आराम से आ जाएंगे इंडिया से साइबेरिया और साइबेरिया से सऊदी अरेबिया। ओके, ये रफ एस्टिमेट है, कब आप टिकट बुक करते हैं नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि आसाम में एक डिटेल सा वीडियो बनाओ आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप, उसमें वीज़ा नहीं चाहिए। ओके, ऑन अराइवल वीज़ा है, सबसे बेस्ट ये है। अगर आप यही कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू आएंगे तो आपको 2,25,000, 2,50,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि कई ट्रैवल एजेंट्स अंबानी के साथ में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना कि मैं उनको कैसे पीछे छोड़ूँ। गलत बात है ये, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये टाइप ऑफ बिजनेस। और बोलते हैं कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प विथ मनी इज कॉल बिजनेस, है ना, वो हेल्प नहीं बोलना चाहिए, वो हेल्प वर्ड हटा देना चाहिए। हेल्प विद, हेल्प जो होता है वो विदाउट मनी भी होता है ना। हेल्प विथ मनी इज इक्वल टू बिजनेस, उसको बिजनेस बोलो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है सुनने के लिए। तो आज मैं ऑफिस से आने के बाद आप लोगों के साथ ये साइबेरिया के बारे में डिटेल में एक प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा, उन लोगों के लिए जिनको जाना जरूरी है। कुछ लोग अभी साइबेरिया में हैं, उन्होंने ये अपडेट दिया है, तो उनसे और इनपुट लेके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सारे अपडेट्स थे अब तक के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।